और जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल के अंतर्गत कई विभाग तय किए गए हैं। वहीं सामान्य श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था में भी सुगमता प्रदान की गई है। मंदिर समिति ने प्रोटोकॉल के तहत सांसद, विधायक, महापौर, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर समिति, पत्रकार को अपने प्रतिनिधि को दर्शन कराने का कोटा निर्धारित किया गया है। अब इस कोटे में भी व्यवस्था के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जी हां, गुरुवार को छत्तीसगढ़ से आए 6 श्रद्धालुओं से भस्म आरती और गर्भगृह में दर्शन के नाम पर बाहरी पुरोहितों ने 21,600 रुपए की ठगी कर दी। इसमें महापौर के 7 स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है। इसे मिली भगत की आशंका है कि स्थानीय प्रोटोकॉल से भेजे गए नाम पर टोकन नंबर M82 पर मंदिर समिति के कर्मचारी ने परमिशन बनाई थी। मामला मंदिर प्रशासक के सामने पहुंच गया। इस पर 4 लोगों के खिलाफ महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करा गई है। महाकाल थाना पुलिस ने इन ठगी के आरोप पर प्रकरण दर्ज किया है। चूंकि पिछले विगत महीनों में मंदिर प्रबंध समिति के निर्णयानुसार हमारी संपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो ऑनलाइन है और सभी की जो टिकट्स बनती हैं वो QR कोड डिजिटल होती हैं और उसकी पूरी ट्रैकिंग और उसका वैलिडेशन होता है, तभी आप सशुल्क दर्शन कर पाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम सभी चीज़ ट्रैक कर पाते हैं और उसके बिना आप दर्शन यदि करने आते हैं तो आपको बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसी तारतम्य में आज हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उन्होंने बताया हमें कंप्लेंट में कि गर्भगृह से दर्शन करने के लिए और भस्म आरती करने के लिए दो लोगों ने मिलकर उसे 21,000 रुपये लिए हैं, जिसमें कुछ शुल्क उनका गर्भगृह का था और आपके भस्म आरती का था। जिन दो लोगों के नाम लिए थे उनको बुलवाया गया, उनके कथन लिए गए, उनके स्टेटमेंट लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद और लिंक निकला कि उन्होंने किस प्रकार से गर्भगृह के दर्शन कराने के लिए बनवाया था और भस्म आरती किसके थ्रू बनवाई थी। चूँकि किसी न किसी के थ्रू ही बनती है, पूरा जो हमारा भस्म आरती का ये तो ऑनलाइन सिस्टम है या कोटा सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार हमारा गर्भगृह का है तो कोटा सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है। मतलब जो भी बन रहा है उसका एक ट्रैक होता है कि कौन बनवा रहा है उसको। उस सभी ट्रैक को पकड़ा गया और सभी कथन लिए गए। जो दो मुख्य लोग हैं उसमें यशपाल यश शर्मा और घनश्याम शर्मा, और जिन्होंने 2 और 9 लोगों के नाम बताए, भावेश जोशी और सोनू पारिख। चूँकि भावेश जोशी और सोनू पारिख ने अपने फ़ोन बंद कर रखे, अतः यश शर्मा और घनश्याम शर्मा के स्टेटमेंट और जो कंप्लेंट थी उन्हीं कंप्लेंट के आधार पर एक पूर्ण प्रतिवेदन बना के थाना प्रभारी को संबंधित धाराओं में FIR के लिखा गया है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार से जो यात्रियों को, दर्शनार्थियों को गुमराह करते हैं और उनसे अधिक राशि वसूल करते हैं, उससे मंदिर की बदनामी भी होती है और छवि भी खराब होती है देश नहीं प्रदेश स्तर पर। और जबकि इस समय लाखों लोग डेली विजिट करते हैं, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारा दर्शन व्यवस्था है वो पूर्णतः निःशुल्क है। रोज़ लगभग 1.5 लाख के लोग आसपास निःशुल्क दर्शन व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। शीघ्र दर्शन की हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है, उसके 250 रुपये शुल्क लगते हैं। वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं श्रीमहाकालेश्वर.com साइट पर जाकर। जो भस्म आरती होती है वो सिर्फ 200 रुपये में होती है और वो भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसकी 1 महीने पूर्व बुकिंग होती है। यदि इससे ज़्यादा कोई भी आपसे पैसे वसूल करने की कोशिश करता है तो उसकी आप कंप्लेंट 1800-233-1008 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसमें करवा सकते हैं। किसी प्रकार से किसी के बहकावे में बताएं और जो बाबा महाकाल के दर्शन आप या तो निःशुल्क करें, जिसमें आप बड़ा आसानी से आधे घंटे से 45 मिनट कर सकते हैं, और श्री दर्शन या भस्म आरती का आप लाभ लेना चाहते हैं तो श्री महाकालेश्वर.com साइट पर जाएँ और बुक करें। थैंक यू।